हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीक की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीक हम फिर से समझते हैं यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और यूएसडी जेपीएमआई में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम इन तीन करेंसी पेयर में किस तरीके से एक इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स यूरो यूएसडी करेंसी पेयर से। यहाँ से मैंने यूरो यूएसडी ओपन किया है 4 आवर के टाइम फ्रेम में और हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है चलिए समझते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे प्रीवियस वीक हमारा यूरो यूएसडी में किस तरीके का एनालाइज रहा और किस तरीके से यूरो यूएसडी ने परफॉर्म किया है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यूरो यूएसडी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। देखिए ये कहीं ना कहीं एक पैरेलल चैनल यहां में देखने को मिलेगा। फाइनली इस चैनल के अंदर मार्केट काफी अच्छे से ट्रेड कर रहा था। जब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, मिडिल लाइन का सपोर्ट ले रहा था, उस टाइम भी हमारा व्यू था मार्केट अगर यहां से ब्रेक डाउन करता है इस मिडिल एरिया को, इस मिडिल लाइन को अगर ब्रेक करता है तो फिर इस लेवल के आसपास अगेन सपोर्ट लेने आ सकता है, क्योंकि ये एक चैनल का सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो पैरेलल चैनल के आसपास मार्केट आया सपोर्ट लेने और सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट हमें बाय में देखने को मिला। सेकंड व्यू था, अगर यहां से हमें कोई बाइंग का सेटअप देखने को मिलता है तो हम बाय भी कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट के लिए यहां से रेजिस्टेंस का जो लाइन है, हमारे पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस का लाइन है, इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट यहां से प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा एकदम इजी एनालाइज था प्रीवियस वीक, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, हमारी ट्रेड को प्लान करना चाहिए क्योंकि मार्केट इस चैनल को काफी अच्छे से फॉलो कर रहा है और फाइनली काफी अच्छे से मार्केट ने हमें टारगेट प्रॉफिट भी दिया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं यूरो यूएसडी 4 आवर के टाइम फ्रेम में इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। एकदम इजी सा एनालाइज यहां पे हम कर सकते हैं। अभी यहां पे ध्यान दीजिए मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है। फाइनली इस चैनल का ब्रेकआउट के बाद यहां से फॉल करना स्टार्ट किया है, तो ऐसे टाइम पे हमें किस तरीके से एनालाइज करना है ध्यान दीजिए। बहुत आसान से एनालाइज यहां पे हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक सपोर्ट एरिया मार करना है। कौन सा सपोर्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो हमें ये वाला सपोर्ट दिख रहा है, ये वाला सिंपल हमने सपोर्ट एरिया मार कर लिया है। ठीक है, अब ये सपोर्ट इसलिए मार किया है फ्रेंड्स क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। फाइनली मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट के बाद अगेन इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है। प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आए, फिर यहां से हमें बाय में देखने को मिले। तो किस तरीके से हमें देखना है ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम इस लेवल के आसपास देखिए ब्रेकआउट के बाद इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ अगर हमें देखने को मिलता है यूरो यूएसडी, फिर यहां से हमें बाय में देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, इस लेवल के आसपास अगेन अपना एक हाई लगा सकता है। लेवल कौन सा है तो यहां पे हम देख लेंगे 1.10380 के आसपास, ये हमें पूरा एरिया मार करना है। ये एरिया देखने को मिल रहा है, इस एरिया के आसपास देखने को मिल सकता है। ये वाला लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सपोर्ट यहां पे इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, यहां से ये वाला लो पकड़ेंगे और ये वाला यहां से हाई पकड़ेंगे और सिंपल फिबोनाची को भी मार कर लेंगे और देखेंगे कौन सा लेवल हमें देखने को मिल रहा है। जैसे हम फिबोनाची को मार करेंगे ना तो हमें देखने को मिलेगा 0.618% का फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट लेवल है, तो इस लेवल के आसपास या फिर 0.5% के आसपास मार्क सपोर्ट लेने के बाद फिर यहां से हमें बाय में देखने को मिले। तो इस तरीके की यहां से एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेने के बाद फिर हो सकता है मैं भी यहां से हमें बाय में देखने को मिले। बाय में देखने को इसलिए मिल सकता है फ्रेंड्स क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट का ट्रेंड यहां से आप देख पाएंगे कंटिन्यू अप ट्रेंड है। मार्केट यहां पे एक हायर हाई बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। देखिए हायर हाई हायर लो यानी प्रीवियस जो लो है अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है यहां से मार्केट अपना एक हायर लो बना, इसके बाद नया अपना एक हायर हाई बना, इसलिए हमें यहां से बाइंग का सेटअप देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं अगर हम सेल करें तो फिर किस तरीके से यहां से सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग के लिए ये वाला सपोर्ट ब्रेक होना जरूरी है, ये सपोर्ट ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट के लिए भी वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए हमें। रीटेस्ट के साथ जैसे हमें कंफर्मेशन मिलता है फिर हम यहां से सेल वगैरह प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स, और टारगेट प्रॉफिट के लिए फिर हम इस लेवल के आसपास अपना प्लान कर सकते हैं। ये वाला लेवल हमें देखने को मिल रहा है सपोर्ट, ठीक है, ये हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब ये कौन सा लेवल है, एरिया है, तो आप देख लीजिएगा 1.08500 का एरिया देखने को मिल रहा है। इस एरिया के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट यहां से प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यूरो यूएसडी में हम एक आसान सा एनालाइज कर सकते हैं और जैसे हमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है इसके बाद हमारे ट्रेड को यहां से प्लान कर सकते हैं। आई होप
आप अच्छे से समझ पाए होंगे फ्रेंड्स। काफी ज्यादा डिटेल में हमने समझा है यूरो यूएसडी में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। अगर आपको एनालाइज पसंद आ रहा है तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर ले ताकि इसी तरीके की नॉलेज वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए अब हम समझते हैं GBPUSD में। GBPUSD यहाँ से हमने ओपन कर लिया है। अभी GBPUSD में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस वीक हमारा GBPUSD में क्या एनालाइज रहा और GBPUSD ने किस तरीके से ट्रेड किया है। GBPUSD में हमारा एनालाइज एकदम शानदार इजी सा एनालाइज था। यहाँ पे देखिए हमने एक रेजिस्टेंस मार किया था, ये वाला हमारा था सपोर्ट एरिया, और यहाँ पे जब इस लेवल के आस पास जब यहाँ से GBPUSD ट्रेड कर रहा था तो हमारा क्या व्यू था, हमारा व्यू था अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से वेट करना है, मार्केट को सपोर्ट लेवल के आसपास आने देना है। मार्केट यहाँ से हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास आए फिर यहाँ से हमें क्या देखना है, बाइंग का सेटअप देखना है। अब टारगेट प्रॉफिट किस लेवल का दें, तो टारगेट प्रॉफिट इस रेजिस्टेंस के आसपास हम दे सकते हैं। अगर आप सेलिंग की तरफ ही इंटरेस्टेड हैं और सेल करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर वेट करना चाहिए इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन के लिए। इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट के साथ अगर आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिले तो आप इस सेकंड सपोर्ट के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। इस टाइप का प्रीवियस वीक हमारा एनालाइज था और देखिए मार्केट ने काफी अच्छे से जो हमारा एनालाइज था मार्केट ने एग्जैक्ट यहां से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद हमें बाहर में देखने को मिला, टारगेट बहुत आसानी से हमारा अचीव हुआ। चलिए अब हम समझते हैं GBPUSD में इस वीक हम किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहां पे हम एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रेंड लाइन काफी अच्छे से बढ़ करती हुई नजर आ रही है, साथ ही साथ यहां पे हम एक सपोर्ट एरिया भी मार्क कर सकते हैं। यहां पे हमने क्या किया, सिंपल एक ट्रेंड लाइन को मार्क किया और ये वाला एक सपोर्ट एरिया जो हमारा प्रीवियस सपोर्ट था ना, ये वही सपोर्ट है हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है, ध्यान दीजिए मार्केट ने मल्टीपल टाइम हमारी ट्रेंड लाइन को यहाँ से सपोर्ट लिया है, रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद देखिए मार्केट यहाँ से बाय में देखने को मिला। अभी अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाया, फिर से मार्केट एक हायर लो बना सकता है, हायर लो बनाने के बाद फिर क्या होगा, हायर हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, देखिए मार्केट जैसे ही इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, साथ ही साथ ये एक सपोर्ट एरिया भी है, तो हो सकता है मे बी इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद GBPUSD अगेन हमें यहाँ से बाहर में देखने को मिले। अगर यहाँ से हमें कोई बाय का सेटअप देखने को मिलता है, देखिए ये सपोर्ट है ना, यहाँ पे कौन सा एरिया है, 1.23651 का ये हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस सपोर्ट के आसपास अगर फिर से GBPUSD हमें बाय का सेटअप दिखाता है तो यहाँ से हम बाय में देख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट के लिए ये हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, इस लेवल के आसपास ही अपना प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन भी करे, हो सकता है इस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक डाउन भी करे, तो यहाँ पे हमें वेट करना है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट करे, फिर हम यहाँ से सेल वगैरह भी प्लान कर सकते हैं। हो सकता है इस लेवल के आसपास फिर हमें यहाँ से देखने को मिले GBPUSD, क्योंकि सेकंड सपोर्ट तो हमें यही वाला देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला सपोर्ट यहाँ से ब्रेक करता है, ये वाला सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट यहाँ से ब्रेक करता है GBPUSD, तो सेकंड सपोर्ट के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। ये फर्स्ट सपोर्ट हुआ और ये सेकंड सपोर्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें इस वीक में एक सेटअप देखने को मिल रहा है। सबसे फर्स्ट हम एक ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हैं, साथ ही साथ सपोर्ट एरिया को मार्क कर सकते हैं और इस तरीके से इस वीक में हम एक इजी एनालाइज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम समझते हैं USDJPY 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, एक रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करना है, सिंपल कुछ इस तरीके से। अब ये रेजिस्टेंस हमने इसलिए मार्क किया है क्योंकि इस रेजिस्टेंस को अगर हम देखते हैं ना, प्रीवियस टाइम मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, रेजिस्टेंस लिया है, अगेन मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से और हम एनालाइज करेंगे, सिंपल यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे परफेक्ट ड्रॉ हो जाती है, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना है, सिंपल ये हमने एडजस्ट कर लिया है इसको। ये देखिए अभी हमारी ट्रेंड लाइन परफेक्ट यहाँ पे ड्रॉ हो जाती है। अभी देखेंगे हमारी ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट ने ट्रेड किया, यहाँ से हमें बाहर में देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो रेंज है वो कहीं ना कहीं नैरो होता हुआ नजर आ रहा है, यानी छोटा हुआ नुकीला होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ
पे मार्केट किस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है मैं भी इस लेवल का ब्रेकआउट करे मार्केट, हो सकता है यहाँ से इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, हो सकता है मैं भी ब्रेकआउट करे फर्स्ट टाइम, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से फर्स्ट टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, हमें रीटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। रीटेस्ट के बाद अगर हमें कोई बाइंग का सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ से हम बाय वगैरह कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट यहाँ से इस लेवल के आसपास अपना प्लान कर सकते हैं। सेकंड व्यू यहाँ पे हमें किस तरीके से एक स्मार्टली बाय करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें एक और छोटा सा यहाँ से सपोर्ट एरिया मार्क कर लेना है, ये वाला। यहाँ पे मार्केट इस लेवल के आसपास रिजेक्शन कर सकता है, और यहाँ से देखिए एरिया देख लीजिएगा आप, यहाँ पे ये एरिया देख लीजिएगा 132.771 का एरिया है। इस एरिया के आसपास अगेन यहाँ पे हमारे ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेने आता है, और यहाँ से अगर हमें कोई बाइंग का सेटअप देखने को मिलता है तो स्टॉप लॉस हमारा बहुत ही छोटा हो जाएगा, टारगेट काफी बड़ा हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप एक स्मार्टली बाय यहाँ से कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे इस सपोर्ट को भी ब्रेक करे मार्केट, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन करे। इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन करता है तो फर्स्ट ब्रेक डाउन के बाद हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। सेकंड रीटेस्ट के साथ हमें कंफर्मेशन जैसे मिलता है फिर यहाँ से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इसके बाद टारगेट प्रॉफिट हम इस लेवल के आसपास देंगे, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना हमारी वेव का सपोर्ट एरिया है, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं 131.000 के आसपास, ठीक है। तो इस तरीके का हमें एक USD JPY 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक आसान सा सेटअप देखने को मिल रहा है, और इस तरीके से हम यहाँ से हमारी ट्रेड को इस वीक में प्लान कर सकते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस वीक में हम यूरो USD GBPUSD और USD JPY में किस तरीके से एक इजी एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं, और इसके बाद हमारी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको एनालाइज पसंद आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इसी तरीके की नॉलेज वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।